हेलो दोस्तों, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी। समास का टॉपिक को हम आगे लेकर आज बढ़ेंगे। जो पिछले क्लास में हमने दो समास के भेद देख लिए थे, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को, अब उसके बाद जो और चार बचे हुए हैं उसका आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में। और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल का क्लास हमारा टेस्ट चलेगा समास के ऊपर। तो बच्चों, आप लोग देख लिए थे, हमने समास की परिभाषा को देखा था, अव्ययी भाव समास को देखा था और तत्पुरुष समास को देखा था। तो थर्ड आज हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर में हमारा कौन सा समास आता है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे आएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर कर्मधारी समास। तीसरा समास जो हमारा होगा कर्मधारय समास। आज का क्लास हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों के यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा ये क्लास लगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल करा सके, और भी अच्छे टेक्निक्स के हेल्प से, टेक्निक के मदद से अच्छी क्लास कंडक्ट कर सके हम आपकी। तो देखेंगे कर्मधारय समास में इसका उदाहरण क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है और इसे पहचानने का तरीका क्या होगा। इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए अपने हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों, कर्मधारय समास जहाँ एक पद विशेष और दूसरा पद विशेषता बताए, यानी कि किसी एक पद की विशेषता उसका दूसरा पद बताए, एक पद जो हो और विशेष हो और दूसरा उसकी विशेषता बताए, दूसरा उसकी विशेषता बताए, ये कर्मधारय समास में होता है। एवं उपमेय एवं उपमान होता है। तो ये आपको उपमेय और उपमान यदि आप समझ में नहीं आए तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, तो हम जाएंगे वहाँ अलंकार में इसे अच्छे से समझेंगे। यहाँ आपको बस विशेषता बताने की बात है। तो देखिए उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि विशेष और विशेष्य और विशेषता क्या होती है। विशेष्य की विशेषता बताने वाला जहाँ होगा वो कर्मधारय समास में होगा। तो यहाँ आपका पहला उदाहरण क्या है, नील गाय आपका पहला उदाहरण है। तो नील गाय, नीली है गाय, तो यहाँ देखिए जो गाय है ना, इस गाय की विशेषता, तो गाय जो है ये विशेष हो जाएगा। और इसकी विशेषता कैसी है, तो नीली है, इसका विशेषता बताई जा रही है, गाय का रंग बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये नॉर्मल गाय नहीं है, ये नीली गाय है। ठीक है, नीली है जो गाय, नीली गाय, ठीक, नील गाय, सॉरी ये नील गाय नहीं, नीली गाय, ठीक ना। तो अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या कहता है कि चंद्रमुख, तो मुख की विशेषता बताई जा रही है ना, देखिए आप मुख की विशेषता बताई जा रही है, जिसका मुख चंद्र के समान हो वो चंद्रमुख होता है, जिसका मुख चंद्र के समान हो वो चंद्रमुख। पर्णकुटी ऐसी कुटी जो पर्ण से बनी हो, ये कुटी की विशेषता बताई जा रही है। पर्ण मतलब घास फूस होता है, वैसी कुटिया जो घास फूस से बनी हो तो उसे पर्णकुटी कहेंगे। पीताम्बर पीला है जिसका आम्बर, पित है जिसका आम्बर, मतलब पीला हो जिसका आम्बर, जिसका वस्त्र पीला हो उसे पीताम्बर कहते हैं। तो यहाँ वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। नव है जो युवक, नव युवक, तो युवक की विशेषता बताई जा रही है, एक इंसान एक युवक है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो नव युवक है, वो नौजवान है, वो वृद्ध नहीं है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। उस एक विशेष हो और एक विशेषता हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको पहचानना कैसे। अब देखिए लाल मणि, आपको यदि एग्जाम में ऐसा पूछे कि लाल मणि में कौन सा समास है, तो ऐसा मणि जो लाल हो, मणि की विशेषता है कि वो लाल होनी चाहिए, मणि लाल होनी चाहिए, मणि की विशेषता जहाँ बताने की बात आई तो वो कर्मधारय समास में हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है। अब देखिए महादेव, महान जो देवों में जो महान हो जो देव, महादेव, तो देव जो हो गया ये विशेष हो गया, और इसकी विशेषता है, देव की क्या विशेषता है कि देव जो है वो नॉर्मल साधारण देव नहीं है, महान देव है, यानी कि देव में जो महान है वो हो गया महादेव। अब देखिए ये हमारे कर्मधारय समास में आपने क्या क्या पढ़ा, एक विशेषता एक विशेष हो,
तो जहाँ किसी शब्द की विशेषता की बात आएगी, किसी शब्द की विशेषता आपको बताई जाएगी, उसी का एक पद, इसे जो दो भागों में यदि हम विभाजित करेंगे, एक पद लाल हो जाएगा, एक पद मणि हो जाएगा। तो इस मणि की विशेषता बताई जा रही है कि वो मणि कैसी है, लाल है। इस बात से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास में एक विशेषण होगा और दूसरा उसकी विशेषता बताएगी। अब यहाँ बहुत सारे उदाहरणों से आपने समझा, जैसे पर्ण कुटी, एक कुटी है, पर्ण की कुटी है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो पर्ण कुटी में कौन समास होगा, तो पर्ण कुटी में कर्मधारय समास होगा। ये बिल्कुल ईजी है, आप समझ गए हैं। अब आगे हम चलते हैं, और जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा उनके लिए कमेंट बॉक्स एकदम खुला है, आप उस कमेंट बॉक्स में जाकर उसका यूज़ करें और उससे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जहां आपको समझ में नहीं आए, क्लास को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई जाएँ। टाइम बहुत कम है बच्चों, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है, जुलाई में एग्ज़ाम होना, अगर एग्ज़ाम होगा ही आपका तो जुलाई में हो ही जाएगा, क्योंकि इससे लेट करने से हमारा सेशन बहुत पीछे हो जाएगा, इसलिए जुलाई में एग्ज़ाम होना तय है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, हो जाएगा एग्ज़ाम। BHU का एग्ज़ाम पक्का होगा इंट्रेंस, तो जो बच्चे इंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे क्लास को बिल्कुल सीरियसली लेंगे। देखिए तीसरे नंबर तो कर्मधारय समास हमने देख लिया, अव्ययी भाव समास देख लिए थे हम, यथा, आ, यथा, भर इत्यादि लगा होता है उसके प्रारंभ में, अव्ययी भाव समास था। कर्मधारय समास जहाँ कर्ता के विभक्तियों का लोप हो, जहाँ कारक के विभक्तियों का लोप हो, तो पहला और दूसरा, पहला और आठवां, यानी कि कारक की आठ विभक्ति होती है ना, तो पहला और आठवां छोड़ दो, छह जो बीच के बढ़ते हैं कर्ता छोड़ देना है, ठीक है। और लास्ट का जो है ये विस्मयाद का जो है उसको छोड़ देना है, उसके बाद बाकी जितने 20 के होते थे, यानी कि कारक विभक्तियों का जहां आपको लोप दिखेगा, कि जहां कारक के विभक्तियों का लोप, उसके थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में, क्योंकि समास जो होता है उसका संक्षिप्तीकरण अर्थ होता है, वो छोटा रहता है, तो उसे थोड़ा तोड़ के आप देखेंगे। सभी जगह यही रूल काम करेगा, जब कर्मधारय पहचाना तो उसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण आपको मैं बहुत बार बता चुकी, एक बार और एक उदाहरण सुन लीजिए। जैसे विषधर, ठीक है, विषधर विष को धारण करने वाला, ये कर्मधारय का उदाहरण होगा। बताइए आप, इससे पहले आप हिंदी तो कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, तो बच्चों आप लोग कमेंट में बताएंगे कि विषधर विष को धारण करने वाला, इसको अगर हम लॉन्ग फॉर्म में लाएंगे, इसे विस्तृत करेंगे विषधर को, तो यही ना होगा, विष को धारण करने वाला अर्थात महादेव, अर्थात महादेव। तो महादेव ये कौन सा समास हो जाएगा, तो महादेव बस जहाँ रहेगा वहाँ तो ये बहुव्रीही समास में आएगा, विष को धारण, विषधर जो है वो तो बहुव्रीही समास में आएगा, लेकिन जहाँ महादेव आ जाएगा बच्चों, जो देवों में महान है, अर्थात देव की विशेषता बताई जा रही है, ये देव तो हैं, देव हैं, लेकिन उनकी विशेषता कि ये महान देव हैं, देवों में महान है वो महादेव, ठीक है। चंद्रमौली, चंद्रमौली जिनके मौली पर, जिनके सर पे चंद्र हो, चंद्रमौली अर्थात हमारे देवों के देव महादेव, ये सब आपको पहचानना पड़ेगा, उसे थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लाना पड़ेगा, अर्थात उसे विस्तृत करना पड़ेगा, क्योंकि समास जो मिलेगा उसके पद संक्षिप्त करके होते हैं, उसे विस्तृत करेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें कारक विभक्ति का लोप हो रहा है, ठीक है, जिस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अव्ययी भाव जिसमें कारक की विभक्तियों का लोप होगा, वो तत्पुरुष समास जिसमें एक पद विशेष और दूसरा उसका विशेषता बताया जाए, कर्मधारय समास, और चौथे नंबर में आता है द्विगु समास, ये बिल्कुल औरों से हट के है और एकदम आसान है, ये बिल्कुल आसान है, और बाकी जितने भी हैं उन लोगों का जो हमारा पहचानने का तरीका है उसे बिल्कुल हमारा अलग हो जाएगा। द्विगु समास में और कुछ नहीं है, बस यही जानेंगे आप कि इसका प्रथम पद जो होता है, पहला पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये सब पूर्व पद क्या होता है, आपको बताया गया है फर्स्ट क्लास में ही, पहले समास की जो क्लास कंडक्ट हुई थी उसमें आपको बताया गया है। अब देखेंगे द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, नौ ग्रह, त्रिलोक, दोपहर, त्रिवेणी, पशेरी, शताब्दी, ठीक है, सप्तऋषि, इन सारे उदाहरणों में आप देखेंगे कि नवग्रह, तो नवग्रह में जो है इसका पहला पद देखेंगे संख्यावाची है, ग्रह की संख्या बताई जा रही है कि ग्रह नौ ग्रह, तो जहाँ पहला पद संख्यावाची होगा एकदम इजीली आप समझ जाएंगे कि वो द्विगु समास है।
एकदम साधारण है, इसको समझना, इसको पहचानना भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। तो त्रि जो है इसका अर्थ क्या है, इसका ये बताता है कि त्रि मतलब तीन, तीन लोकों का समूह जो हो गया वो त्रिलोक हो गया। तो इसका भी पहला पद संख्यावाची, दो पहर हमारे ये के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आठ पहर होते हैं, उसमें बताया जा रहा है कि दोपहर क्या होता है। तो दो पहर के बाद का जो समय होता है, दो पहरों का जो समूह होता है या फिर दो पहरों के बाद का जो समय होता है उसे दोपहर कहते थे। यहाँ दो आया, दो जो है वो संख्यावाची हो गया। फिर देखेंगे त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, वेणी मतलब नदी, तीन नदियों का समागम जहाँ होगा उसे त्रिवेणी कहते थे। यहाँ भी तीन आया तो ये भी संख्यावाची। पंचशेरी यानी कि पांच शेरों का समूह, पांच शेर मतलब पांच किलो, केजी समझते हैं ना, तो पांच केजी का समूह, अर्थात पांच केजी को जब एक एक केजी करके पांच बार हम जब एक जगह मिला देंगे तो पसेरी हो जाता है, उसे पंचशेरी कहते हैं, पाँच शेरियों का समूह। तो यहाँ भी देखेंगे कि संख्या आया पाँच आया, शताब्दी में संख्या सौ आया, सप्तऋषि में संख्या सात आया। तो मेरा कहने का एक ही अर्थ है कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची है। जहाँ भी आपको दिखेगा कि पहला पद उसका संख्यावाची बन रहा है, संख्या बताई जा रही है, तो वो द्विगु समास के अंदर आएगा, वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। इसमें एकदम इसको पहचानना एकदम ही ईजी है, एकदम आसान है। इसमें और हम कुछ बचा नहीं है समझाने को, आपको इतना ही था जो आपको बता दिया गया है। बस एक लाइन आपको याद रखनी है कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होगा वो द्विगु होगा। द्विगु समास और द्वंद्व समास बिल्कुल आसान माना जाता है पहचानने में, और एक बहुव्रीही समास, ये तीनों के तीनों एकदम अलग होते हैं एक दूसरे से और एकदम आसान होते हैं। कन्फ्यूज़न अगर होता भी है आपको तो कन्फ्यूज़न कर्मधारय समास में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको, लेकिन द्विगु समास में बिल्कुल भी आपको पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा भी कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस आपको देखना है कि इसका प्रथम पद संख्यावाची है तो वो द्विगु समास हो जाएगा। प्रथम पद मतलब पहला पद, पहला पद मतलब जो पहले आए, कोई भी जो वर्ड दिया गया हो उसे जब दो भागों में बांटेंगे, उसे लॉन्ग फॉर्म में लाएंगे, उसे विस्तृत रूप में जब लाएंगे तो जो पहले वर्ड आएगा उसे पहला पद कहते हैं। ये सब बताई हूँ मैं पहले क्लास जो चला था समास का, जो फर्स्ट क्लास था उसमें। अब देखेंगे पाँचवें नंबर में कौन आता है, तो बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में क्या होता है कि इसमें देखे थे तत्पुरुष में क्या था कि दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी में था कि पहला पद प्रधान होता है, कर्मधार में पद की प्रधानता की बात नहीं आपको बताई गई थी, विशेषता की बात बताई थी कि एक पद विशेषण होगा दूसरा उसकी विशेषता बताएगा, कर्मधारय समास था। अब जब द्विगु में आया था तो द्विगु में देखे थे कि इसका कोई एक पद संख्यावाची है, इसका प्रथम पद संख्यावाची होगा। अब बहुव्रीही में देखेंगे कि पद समझ रहे हैं, पद बार बार हर समास के सारे जितने भी भेद हैं उन सभी में आपको मैं बताया जा रहा है कि इसका प्रथम पद द्वितीय पद अपद मैं भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसमें देखेंगे इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, ये दोनों पद जो होते हैं वो मिलकर, दोनों पद संयोग होकर, दोनों पद मिलकर किसी थर्ड पर्सन की ओर, थर्ड किसी तीसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। और यहाँ एक और लाइन देखिएगा, ये प्रायः योग रूढ़ होते हैं, तो योग रूढ़ देख के कोई परेशान नहीं होगा क्योंकि शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, शब्द तीन प्रकार के होते हैं। जहाँ आपको ये शब्द पढ़ाया जाएगा ना वहाँ यौगिक योग रूढ़, ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक शब्द कैसे होते हैं, ये सब आपको वहाँ बताया जाएगा। अभी बस इतना, यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना ही समझेंगे कि इसके दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं होते हैं और किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, बहुव्रीही समास होते हैं। तो ये देखिए दशानन हमारा पहला क्या उदाहरण है कि दशानन, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि दश तो यहाँ भी दस दश, इसको जब करेंगे देखेंगे आप तो यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दश दश यहाँ तो संख्यावाची आ रहा है, ये तो बहुव्रीही में होना, ये बहुव्रीही में कैसे आ गया, इसे तो कर्मधार, इसे तो द्विगु में होना चाहिए। तो नहीं मेरे बच्चों, ये देखिए दशानन जो है ये दस सिरों का, ये दस सिरों वाला अर्थात किसी एक विशेष पुरुष की ओर इंगित कर रहा है। क्या हम ऐसे ही किसी को भी दशानन कहते हैं? नहीं, दुनिया में बस एक इंसान ही था रावण, जिसे दशानन के नाम से जाना जाता था, जिसे दशानन कहते थे कहते हैं।
ठीक है, तो वो एक किसी तीसरे पर्सन की ओर हमें इशारा कर रहा है, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बता रहा है, और वैसे इंसान, वैसा पर्सन जो मतलब दुनिया में वैसे और कोई नहीं होते, किसी एक विशेष प्रकार का इंसान के लिए, किसी विशेष प्रकार की वस्तु के लिए, किसी विशेष प्रकार की सामग्री के लिए, चीज़ के लिए आपको बताया जाए तो वो दशानन, उसे दशानन कहते हैं। तो वो आ जाएगा हमारे बहुव्रीहि समास में। ये इसमें कुछ स्पेशल, कुछ विशेष शब्द इसमें आते हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, जो दोनों पद उस तीसरे पद की ओर, इस तीसरे व्यक्ति की ओर कह सकते हैं, तीसरे वस्तु की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, और देखिए जलज, तो जल में उत्पन्न होने वाले को जलज कहते हैं, तो जल में जो उत्पन्न हो उसे जलज कहते हैं। चक्र पाणी, जिसे पाणी में अर्थात जिसके हाथ में, जिसके हाथ में चक्र हो, तो क्या चक्र पाणी ऐसे ही किसी को भी कह देते हैं? नहीं, चक्र पाणी का यूज़ विष्णु जी के लिए करते हैं। चक्रपाणी का यूज़ विष्णु जी के लिए करते हैं, जो दुनिया में एक व्यक्ति विशेष है ना, और बहुत सारे तो विष्णु जी हैं नहीं, कोई एक ही बस विष्णु जी है, तो एक विशेष है, एक व्यक्ति विशेष के लिए बताता है बहुव्रीहि समास। और देखिएगा बच्चों कि लंबोदर अर्थात लंबा हो जिसका उदर, गणेश जी, ये सब उदाहरण है। अब जिसका पेट लंबा हो उसे एक गणेश जी की जहाँ बात आई, तो ऐसे किसी को भी हम लंबोदर नहीं कहते। अगर कहते भी हैं तो उसका मीनिंग हमारा क्या होता है, गणेश जी की ओर इशारा करने का हमारा अर्थ क्या होता है, हम बताना क्या चाहते हैं कि तुम गणेश जी की तरह हो, तुम्हारा उदर लंबा है। तो ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए, किसी स्पेशल पर्सन के लिए बहुव्रीहि समास का, किसी स्पेशल पर्सन की बात की जाए ना, तो वो बहुव्रीहि समास के अंदर आएगा। और आपको बोला गया था कि विषधर में कौन सा समास है बच्चों, तो विष को धारण करने वाला अर्थात शंकर जी, हमारे महादेव। तो जो महादेव होगा ना वो तो कर्मधार होगा, लेकिन जहाँ विषधर आ जाएगा, नीलकंठ आ जाएगा, ये सब हमारे शंकर जी एक विशेष के लिए कहा जाता है, और वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं द्वंद्व समास, ये अपने चार पांच जो हमारे भेद बचे हुए थे, दो को हमने क्लियर किया था, बाकी के जितने हैं आज समास को कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारा टेस्ट का होगा, समास पर के ऊपर हमारा टेस्ट होगा, उसके बाद आपका नया टॉपिक आएगा, चाहे तो तत्सम तद्भव को हम लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हिंदी का, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, शंकर शब्द क्या आता है, योग युगिक योग रूढ़, इन सबों को लेंगे, या फिर कोई एक दूसरा चैप्टर उठाएंगे इसके बाद। ठीक है, संधि हमारा कंप्लीट हो ही गया है, विराम चिन्ह हो ही गया, समास आज खत्म ही हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो पाँचवा नंबर का है, पाँचवा नहीं छठे नंबर का, पाँचवा में तो बहुव्रीहि था, छठे नंबर का हमारा जो समास है वो द्वंद्व समास। समास के छह भेद आज कंप्लीट हो जाएंगे। छठा नंबर का हमारा कौन समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए बहुव्रीहि समास में क्या था कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जहाँ दोनों पद परस्पर विलोम हो, या कभी कभी दोनों शब्द का संपूर्ण पदार्थ का बोध कराए। ठीक है, कभी कभी दोनों में से कोई एक ही विकल्प के तौर पे चुना जा सकता है, ये सब इसके उदाहरण हैं। आपको इतना यदि समझ में नहीं आया, आपको प्रॉब्लम हो रहा हो समझ में, तो आप इतनी लाइन को याद रखेंगे, इतनी चीज़ों को बस इम्पॉर्टेंट है जो आपको घेर दिया गया है, इसे बस आप याद रखेंगे कि इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको मैं बोलूं कि माता और पिता दोनों पद प्रधान होते हैं, सॉरी गलती हो गई, जैसे माता और पिता, तो माता और पिता दोनों की प्रधानता है, यहाँ माता की भी प्रधानता है हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में माता की भी प्रधानता है और पिता की भी प्रधानता है। तो इस सब से आपको क्या पता चला कि माता और पिता, जहाँ दोनों पदों की प्रधानता हो, जहाँ दोनों के दोनों पद प्रधान हो, ऐसे कोई बोला कि जैसे हमने बोला कि पाप पुण्य, तो पाप की भी प्रधान, पाप और पुण्य दोनों एक दूसरे के जो विलोम कह रहा है ना, कभी कभी एक परस्पर एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो ये देखिए दाल रोटी, तो कहने का मतलब कि दोनों के दोनों पद जो होंगे वो प्रधान होंगे, दोनों की प्रधानता होगी, किसी एक पद के बिना, एक पद से हमारा काम नहीं चलेगा, दोनों का इम्पोर्टेंस होगा हमारे लिए, गरीब अमीर, माता पिता, दिन रात एक दूसरे की, ऐसे होते दिन रात में कौन सा समास है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। और एक ये भी चीज़ देखिएगा कि इसमें मैक्सिमम
सभी में नहीं, मैक्सिमम। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का डैश आपको लगा हुआ मिलता है दो शब्दों के बीच में, वो द्वंद समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, माता पिता, दिन रात, दाल रोटी, अमीर गरीब, पाप पुण्य, जलवायु, ये सब जो हैं हमारे द्वंद समास के उदाहरण हैं। इन्हें भी पहचानने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताया गया है। तो ये देख लिया आपने बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। एक बार मैं 6 को रिव्यू आपको करा दूं कि 6 भेद कौन कौन से होते हैं, समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला होता है समास का अर्थ का संक्षिप्तीकरण। ये सम धातु में आस प्रत्यय लगाते हैं तो समास बनता है। पहले हमने बताया था अव्ययी अभाव समास, जिसका पहला पद प्रधान होता है, और ऐसे शब्द अव्ययी भाव समास में आते हैं जिन पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग का प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब है कि लड़का हो या लड़की हो या उभयलिंग हो, दोनों तीनों के लिए हमें कोई अलग अलग शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, एक ही शब्द का प्रयोग करें जिस पर लिंग का प्रभाव 9 के बराबर पड़े। लड़का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, दोनों के लिए हमें एक ही शब्द का प्रयोग करना पड़े, वो होता है उस पर लिंग। वैसे शब्द जो होते हैं वो अव्ययी भाव के उदाहरण हो जाएंगे, जैसे दिनों दिन, रातों रात, ठीक है, भर पेट, हर दिन, प्रतिदिन, अनावश्यक, अनावरत, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होंगे ना वो अव्ययी भाव में आएंगे, अव्ययी भाव के उदाहरण हो जाएंगे। इस प्रकार के शब्द यथासंभव, यथा समय, ठीक है, यथा विधि, ये सब जो है अव्ययी भाव में आएंगे। तो आगे चलते हैं, एक और इसके बाद जो हमने बताया था तत्पुरुष समास, इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें कर्ता का कारक के विभक्तियों का लोप होता है। उसके बाद कर्मधारय समास बताया था, जिसका एक पद प्रधान, दूसरा पद एक पद विशेषण और दूसरा पद उसकी विशेषता बताया, जैसे काला कुत्ता, नीली गाय, ठीक है, पीताम्बर, ऐसे जहाँ विशेषता बताई जाए कि किसी चीज़ के बारे में बता तो रहे हैं आपको, कुत्ता तो है लेकिन कैसा कुत्ता है, नॉर्मल नहीं है, वो काला कुत्ता है, वो कुत्ते की विशेषता है, काला कुत्ता है, काला पेन, लाल पेन, ऐसा जब कहा जाए, रेड चुन्नी, इस तरह के जो है, लाल चुन्नी है, ठीक है, गर्मी के पाउडर, ऐसा कोई कहे कि ये गर्मी में यूज़ करने वाला पाउडर है, ये एंड्रॉयड फ़ोन है, तो फ़ोन तो कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन जहाँ कहा जाए तो वो आपके हो जाएंगे कर्मधारय समास है। फ़ोन है लेकिन कैसा है, उसकी विशेषता है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन है, LED TV है, तो टीवी की विशेषता बताई जाए। तो इस प्रकार के शब्द ये जो आजकल आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं हट के उदाहरण देने लगी आपको, आप परेशान नहीं होंगे कि इस तरह की बातें क्यों कहा जा रहा है क्लास में। तो देखेंगे ये कर्मधारय आपको समझाने के लिए कोई भी जो भी रास्ता अपनाना पड़े आपको अच्छे से समझाने के लिए, बस उसी का प्रयास रहता है बच्चों। तो देखिए, कर्मधारय समास का हमने देख लिया, द्वंद समास जहाँ दोनों के दोनों पद प्रधान हो, द्विगु समास पहला पद संख्यावाची हो, बहुव्रीही समास दोनों पद अप्रधान हो, किसी थर्ड पर्सन के बारे में हमें बताया जा रहा। तो बच्चों, आपको आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, आप सारे बच्चे क्लास को यदि पसंद करते हैं, आप चाहते हैं क्लास चले आपका एकदम एग्ज़ाम तक, मैं ख़त्म करूँगी एक एक दिन में, दो दो तीन तीन वीडियो अपलोड मैं करना तो चाहती हूँ बच्चों, कर दूँ मैं, लेकिन आप ऐसे हैं कि आप लोग देखते ही नहीं हैं, तो आपको लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा है। यदि आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना, तब तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जहाँ UP BEd एंट्रेंस की बात आए, LLB की बात आए, जहाँ हिंदी की क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है मेरे बच्चों कि इसमें यदि आप प्रयास कर लिए, पढ़ लिए, तो पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। GS का कोई भरोसा नहीं, कितना भी पढ़ ले कहाँ से पूछेगा, कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाएगा, लेकिन हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, इसे अच्छे से पढ़ लिए ना तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत पेपर हिंदी का आसान बनता है, बहुत आसान होता है। जिन जिन बातों को आपको जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल एकदम इसे पकड़ते रहिए, क्लास को पढ़ते रहिए, एकदम आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व होते रहेंगे और आपका एग्ज़ाम में भी बिल्कुल अच्छे से आप सब समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।